पूरे विश्व में सबसे आधुनिक और सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल रशिया ने कर दिया है और नेटो कंट्रीज के सुर बदल गए। अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज की मीडिया रशिया के लिए बोल रही थी कि रशिया हार रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, मगर अब अचानक से वो बोल रहे हैं कि रशिया को अटैक्स के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होने लग गया है। सही से देखा जाए तो इतना बड़ा कोई एडवांसमेंट रशिया ने दो दिन के अंदर नहीं किया है, बस एक काम किया है, एक वेपन का इस्तेमाल करके। कल से ये वीडियो हर जगह दिखाया जा रहा है, खासकर नेटो कंट्रीज के अंदर लोग इसको शेयर कर रहे हैं कि रशिया की जो किंजल मिसाइल है उसको लॉन्च कर दिया गया है। और ये जो मिसाइल है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको विश्व के अंदर पहली बार वॉर के अंदर इस्तेमाल किया गया है। यहां पर यूक्रेन है और इसके पास में कई सारी नेटो कंट्रीज आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई कर रही है यूक्रेन को। रशिया ने अलग अलग जगह से यहां पर बढ़त जरूर बनाई है, मगर पहली बार रशिया ने यहां पर क्या कर दिया कि इस वाले एरिया को छोड़कर सीधा यहां पर अटैक कर दिया। ये अटैक तो पहले कर दिया गया था, मगर इसकी जो डिटेल सामने आई है उसके बाद में नेटो कंट्रीज काफी असमंजस में दिखाई दे रही हैं। रशिया ने डिटेल्स देते हुए बताया कि एक विमान के ऊपर एक डैगर मिसाइल, जिसको किंजल मिसाइल कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके मार्क 10 की स्पीड से अटैक कर दिया गया। ये वाली जो मिसाइल है, ना सिर्फ ये 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, बल्कि इसके साथ ही के अंदर इसके ऊपर न्यूक्लियर हेड भी लगाया जा सकता है। फाइटर जेट्स भी 3-4 हजार किलोमीटर चल जाते हैं, उसके आगे भी 2000 किलोमीटर जाने की क्षमता है। नेटो अमेरिका के पास में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिसको हुदी रिबेल्स के ऊपर काम में लिया गया और उनके कई सारे आक्रमण रोके गए। मगर मामला यहां पर हुदी रिबेल्स के साथ में नहीं है, रशिया सामने खड़ा है और उसने दागी है हाइपरसोनिक मिसाइल। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम 1990 के अंदर बनाया गया था और शॉर्ट मीडियम लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए बनाया गया था, मगर ये सारी की सारी मिसाइल्स सबसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर उनको आने से पहले रोक दिया करता था। इसके अलावा भी कुछ देर पहले की ही खबर है कि स्लोवेकिया के अंदर भी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल करना शुरू किया है। ये जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको इराक के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, मगर हाइपरसोनिक मिसाइल के सामने ये कुछ काम नहीं करेगा। वेस्टर्न मीडिया खुद क्या बोल रही है इस हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, वो देखिए। हाइपरसोनिक मिसाइल्स अनस्टॉपेबल है, कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका के पास में ये हाइपरसोनिक मिसाइल फिलहाल नहीं है और इन्हीं को गेम चेंजर बोला जा रहा है। थोड़े समय पहले इजराइल के अंदर जो रॉकेट अटैक्स हो रहे थे, इजराइल उसको आयरन डोम से इंटरसेप्ट करके उनको निष्क्रिय कर रहा था, मगर वो थर्ड क्लास रॉकेट जो होते हैं वो कई बार खुद ही के ऊपर गिर जाया करते थे। यहां पर जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी मैनोवरिंग अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे ही रॉकेट कहीं से उड़ते हैं और वो दूसरी टेरिटरी के अंदर पहुंचने वाले होते हैं, ये थर्ड आयरन डोम वगैरह इसको इंटरसेप्ट करते हैं और इसके साथ में भिड़ जाते हैं, यहां ब्लास्ट होता है और ये रॉकेट डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मगर जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी मैनोवरिंग ऐसे 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 घूम के कहीं पर भी जाकर हो जाती है। अब जो समस्या है उसको आप जानिए कि रशिया के पास में एक ऐसी मिसाइल है जो अमेरिका के पास में नहीं है, और रशिया अगर उस मिसाइल को प्लेन के ऊपर लगाकर अटैक कर देता है, विश्व का कोई भी डिफेंस सिस्टम, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास हो चाहे किसी और के पास हो, वो हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक सकता। वही हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। रशिया ने जो डिसीजन लिया है ये रातों रात नहीं लिया है। 8 फरवरी की खबर देखिए, 24 फरवरी से बहुत पहले यानी कि 8 फरवरी की ही यह खबर है कि नेटो सारे के सारे कैपिटल्स रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल, ये जो मिसाइल है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी रेंज में आ चुकी हैं। यानी कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये यहां पर सभी नेटो कैपिटल्स को टारगेट कर सकती है, इसके अंदर क्षमता है। मगर यहां पर एक और एडिशन हो गया, एडिशन ये हो गया कि रशिया ने इसको जेट से लॉन्च करके बता दिया। एक ही सेंटेंस में अगर समझा जाए तो रशिया इस समय पूरे विश्व में किसी भी देश को तबाह कर सकता है, उसको फिलहाल कोई नहीं रोक सकता। वैसे ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस समय चाइना के पास में भी है और बताया जाता है कि इंडिया के पास में भी ये फाइनल स्टेजेस के अंदर है, मगर इस समय तक नेटो कंट्रीज के पास में ये नहीं है। और चाहे चाइना की हो, इंडिया की हो या फिर रशिया की हो, इनको रोका तो जा ही नहीं सकता। अब बात ये आ जाती है कि रशिया ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल को इस्तेमाल क्यों किया, उसकी दो वजह बड़ी हो सकती है। पहला तो ये कि रशिया ने यहां पर ही अभी तक अटैक किए थे और इन्हीं को अपने कब्जे में लिया था, वो आगे नहीं बढ़ रहा था। रशिया ने बताया कि मैं आगे भी बढ़ सकता हूं, और ये एक प्रकार का स्टेटमेंट दिया है रशिया ने कि मैं जानबूझ के धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। साधारण जनता के लिए मीडिया के अंदर जो खबरें छप रही हैं और जो एक्सपर्ट्स की राय है वो मेल नहीं खाती, वो साफ तौर से ये बताते हैं कि रशिया जानबूझ के अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि रशिया के ऊपर जितना पॉसिबल हो सकता था नेटो कंट्रीज ने, बाकी सभी कंट्रीज ने पूरा जोर लगा लिया। इतने
इतने सारे सैंक्शंस के ऊपर सैंक्शंस ठोक दिए गए कि अब कोई सैंक्शन बचा ही नहीं। स्टेटमेंट ये हो सकता है कि अगर मैं प्रॉपरली तुम्हारे पीछे पड़ा जैसे तुम हमारे पीछे पड़ रहे हो तो क्या होगा अंजाम। विश्व के अंदर सभी देश बराबर हैं, इस प्रकार की बातें कही जाती है, मगर होता यह है कि जो ज्यादा पावरफुल है उसी की बात मानी जाती है। जिस प्रकार की नई खबरें अब आ रही हैं और उनकी जो लैंग्वेज है वो काफी हद तक चेंज नजर आ रही है, साफ तौर से पता पड़ता है कि यहां पर रशिया ने एक पॉइंट प्रूव किया है। और आज के समय पूरा का पूरा विश्व, खासकर वो कंट्रीज जो कि रशिया के एंटी हैं, वो इस खौफ के अंदर हैं कि रशिया क्या कर सकता है अगर वो चाहे तो। और अब आप ये देखने वाले हैं कि आने वाले कुछ समय में वर्ल्ड लीडर्स भी जो रशिया के बारे में खुलकर बुराइयां कर रहे थे उनकी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी। इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस प्रकार की जो सिचुएशन आएगी उसके बारे में भारत को पूर्वाभास था, इसीलिए भारत ने अपना रवैया तटस्थ रखा। और यही दिखाता है कि भारत कितना ज्यादा दूरदर्शी है और इस समय जो विदेश नीति है हमारी कितने चरम पर है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।